नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दीवान सुफलाम क्लासेज जयपुर से। मित्रों, संस्था में फर्स्ट ग्रेड और रिट की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। मेरे यहाँ से इस तरह से टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की भी, संस्कृत की। जो बच्चा भी लेना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है, फोन कर सकता है। लेकिन आज हमारे यहाँ संस्था में एक पेपर हुआ व्यंजन संधि का। कौन संधि का? व्यंजन संधि। इस व्यंजन संधि में कुछ प्रश्न थे जिनसे मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं इस क्लास को। एग्जामिनर भी इसी प्रकार के प्रश्न बनाएगा, देखिएगा। एग्जामिनर बहुत सिंपल सा बना के रख दिया, मान लीजिएगा भिन्नम अस्ति। नंबर एक ऑप्शन दिया है संधि में, राष्ट्रम। दूसरा रखा है संधि में पेस्टा। तीसरा रखा ओस्ट्रम। और चौथा रखा है प्रश्न। वो सिंपल सा है, देखने में ही पता लग जाता है कि इन तीनों में स्तुत्व संधि है, जबकि इसमें कोई संधि नहीं है। सात सूत्र से ये बनता है। यहां तो हमने पकड़ लिया बहुत आसानी से। लेकिन अगला प्रश्न कुछ हल्का सा ही बदल के दिया था, धनवान लुनिते। अब इसका प्रश्न ये है कि इत्यत्र संधि पदम अस्ति, इत्यत्र संधि पदम अस्ति। पहला ऑप्शन रखा गया, मित्रों ये तो उदाहरण जो यहां लिख रहा हूं ये आपके गवर्नमेंट बुक में दे रखे हैं 11वीं 12वीं में, जो कि पेपर में भी आएंगे। और यदि उसने बनाने की कोशिश करी तो वो बनाएगा। लुनिते, आपको संधि सूत्र पता होना चाहिए। दूसरा रख देखे यहां, दूसरा उदाहरण रखा है इन्होंने, धनवान लुनिते। तीसरा भी रखा इसी प्रकार, तीसरा उदाहरण रखा धनवान लुनिते। और चौथा रखा गया को अपी ने, को अपी ने। अब मित्रों यदि आपको बता पाएंगे अन्यथा गड़बड़ कर जाएंगे। यहां पर ये जो दे रखा है ने, ये अनुनासिक व्यंजन है और अनुनासिक व्यंजन के बाद में ले है। सूत्र मित्रों तौरले सूत्र है। कौन सूत्र है? तौरले। पर्सेवट संधि का सूत्र है। यह कहता है कि न अनुनासिक है तो ले भी कौन सा आएगा? अनुनासिक वाला। तो ये रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग आंसर। याद रखिएगा, एग्जामिनर जरूरी नहीं कि आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के रखे हुए उदाहरण रख ले। हो सकता है 11वीं 12वीं में जो बुक्स हैं उसमें भी उठा रख दे वो। कसम इसी आधार पर एक और भी प्रश्न है कि आपको देना है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि जसत्व प्रकरणे, जसत्व प्रकरणे अग्नि मथ भ्याम पदे संधि विच्छेद। अब पहला ऑप्शन रखा उन्होंने अग्नि मद भ्याम। दूसरा रखा गया अग्नि मथ भ्याम उभयो। और चौथा रखा, ऑप्शन भी रखा बहुत ही अच्छा, कि अग्नि मग मथ भथ भ्याम। पहले ऊपर देखते हैं प्रश्न क्या बनाया उसने, कि अग्नि मद भ्याम भ्याम है। अब यहां पर कहा कि क्या आंसर कौन सा होगा, पर ये तो नहीं हो सकता। ऑलरेडी दे है ये वाला भाई साहब, यहां पर मैं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये तीसरा।
आंसर। आपको निकालने की प्रैक्टिस करनी होगी मित्रों, अन्यथा वहां पर बहुत ही स्पीड से कार्य करना होगा और ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी नुकसानदायक साबित हो जाएगी हमारे लिए। अच्छी तरह पता है जसत्व संधि का ये सूत्र है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और ग्रेड पर तीनों में है। सूत्र क्या पूछ रहा है कि इस सूत्र से कह के स्थान पे क्या होता है। तो मित्रों ये सूत्र कह को तीस अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बनाएगा। तो कह की वर्ग का तीसरा कौन सा है, चार ऑप्शन है। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है और देखते हैं प्रश्न और भी आइएगा। एक प्रश्न और भी बेहतरीन दिया गया। हाँ सूत्र है छयो हो अन्य तरश्य। प्रश्न पूछा गया है सूत्रेण पूर्व सेवण संधि भवति, यानी इससे पूर्व सेवण संधि होती है। नीचे दिया गया ऑप्शन विकल्प से नित्य, तीसरा ऑप्शन था निषेधे दिन, और चौथा ऑप्शन रखा गया इसमें अभावे। परीक्षक ये जानना चाहता है ये संधि कैसे होती है। तो मित्रों अन्य दृश्याम है गए ना, अन्य दृश्याम किसे कहते हैं, विकल्प को कहते हैं। किसे कहते हैं, विकल्प। सूत्र ने ही स्वयं ने ही बता डाला आंसर क्या होगा, लेकिन ध्यान नहीं देना हम तो नित्य रा भाव आज भी बच्चों को नहीं पता है नित्य भाव। हाँ ये कहते हैं वो भी हमें आता है, मगर परीक्षा में जब आता है तो आंसर क्यों नहीं आता है, और इसी चीज को लेकर के वो हमेशा कष्ट में रहते हैं, और ये कष्ट कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह हल कर देता है। जो मेरे हाथ में है प्रश्न यह है कि घर पे मंगवा तो देंगे, लेकिन जब तक खुद 10 लोगों के बीच में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे कर लेंगे आप। एग्जामिनर ने बहुत इजी सा प्रश्न पूछा है, अनुस्वार संधि कदा हो। अब मित्रों आपको यह ध्यान रखना होगा कि सिलेबस में सूत्र कौन सा है, क्योंकि ये तो अपने ही एग्जाम में सूत्र से ही पूछने के मूड में रहेगा, और ऐसी स्थिति में अची परे। दूसरा है हली परे, तीसरा है मित्रों हसी परे, और चौथा है खरी परे। अब जिस स्टूडेंट को ये पता है कि अनुस्वार संधि का सूत्र मो अनुस्वार दे रखा है, वह साफ शब्दों में कहता है खरी मानतस्य पदांतस्य हली परे, क्या हो भाई हल बाद में हो, तो किसके कदा कब होती है। तो बेटा इस तरह से प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखो इसका। तरह है आप लोग आना चाहें मोस्ट वेलकम, बार बार मौके नहीं आएंगे, और घर बैठे यदि सिलेक्शन होता तो मेरे हिसाब से हम होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तरीका नहीं आता भी। आप लोगों को कोशिश करें घर से निकले छोड़ें, तब जाकर के आप कहीं जीत पाएंगे। संविधान दाधानम, एग्जामिनर पूछ रहा है संधि विच्छेद, इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। पहला ही ऑप्शन था समीर दय आधानम, दूसरा ऑप्शन है समीदय आधानम,
तीसरा ऑप्शन है संविदा आधारम, और चौथा भी देख ले को अपीन है। मित्रों कोई गड़बड़ मत कर देना, ए प्लस आ बराबर आ मत बना देना, आ प्लस आ बराबर आ मत बना देना। क्यों? क्योंकि आठवां प्रश्न भी देख लो फिर। समिध आधान इत्यत्र संधि पदम अस्ति, पहला ऑप्शन है समिधा धानम, दूसरा ऑप्शन है समिधा नम, और तीसरा है समिधा धानम, और चौथा है सर्वे। आंसर बेटा मत बोलो दशत्व संधि में कैसे पूछेगा, तैयार बैठा है ना एग्जाम में। सत प्लस आचार होता है, सदा प्लस आचार नहीं होता है, और उसी प्रकार समिध प्लस आधानम, समिध आधानम, उसने यहां क्या पूछा है यहां क्या पूछा है, इसी प्रकार से प्रश्न है। मैं संधि इसलिए बढ़ा रहा हूं कि अधिकांश बच्चों का जो अपने आप को समझते हैं कि सबसे अच्छे नंबर ले आएंगे, उनके सबसे ज्यादा गलती किसमें होती है, इसी संधि में। और हर बार एग्जामिनर ने दिया अधीन, यहां कह रहे हैं इत्यत्र इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, नंबर एक पहला ऑप्शन रखा गया अच प्लस हीनम, दूसरा ऑप्शन रखा गया अज प्लस हीनम, तीसरा भी रखा गया अज प्लस झीनम, और चौथा रखा गया सर्वे। मित्रों एक नंबर का होगा, पहले इसमें दशत्व, दशत्व के बाद में आपका पूर्व सहमत संधि हुई है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं कर सकते आप। अगला उदाहरण इसी प्रकार का, एग्जामिनर ने यह कहकर पूछ लिया कि अशुद्ध संधि विच्छेदो अस्ति, और पहला ही है पद प्लस लव पल्लव, दूसरा है तद प्लस लीन तल्लीन, तीसरा ऑप्शन था वाग प्लस हरी वाग हरी, चौथा रखा है उद्लंघनम उल्लंघनम। परीक्षक ये जानना चाहते हैं कि संधि विच्छेद रॉन्ग किस में है, यहां रखेगा संधि विच्छेद होगा तो मूल अवस्था में टूटता है, ये कई बार हमने बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि भूल जाते हैं, ना तो यहां तत आएगा ना ही यहां पैते आएगा, क्योंकि तौरली सूत्र से बन रहे हैं दोनों ही, और ऐसी स्थिति में तौरली सूत्र कोई विकल्प से नहीं चलता, इसलिए पद प्लस लव ही होगा और तद प्लस लीन ही होगा, लेकिन वाक प्लस हरी नहीं होगा, यहां पर वाक है, और इसीलिए उसने पूछा अशुद्ध संधि विच्छेद। पर ऐसी स्थितियों में यदि आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप से है संधि में कहीं मात नहीं खाएंगे, ठीक है।